किस प्रकार की मांग है आपके ज्ञापन में और कब तक के आपको आश्वासन मिला है थाने से? थाने से हमको एक महीने का अवगत दिया है कि एक महीने में आपकी कार्रवाई कठोर हो जाए, आप बड़ा ज्ञापन देने की कृपा करें। और हमारे यहाँ गौवंश तस्करी बहुत अधिक है, तो महाराष्ट्र से आती है, आठने रोड हो गई, चल्ला रोड हो गई, थाने से जाती है, कभी गाड़ियाँ नहीं रुकती। इस विषय में हमने आज पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन देने का बोला है, तो आज आठनेर में, बैतूल में, जल्लार में, मुल्ताई में, सब जगह ज्ञापन देने का बोला गया और ज्ञापन दिया है आठनेर में। ज्ञापन में किस प्रकार की मांगों को सम्मिलित करा है आपको? ज्ञापन में लव जिहाद में बहुत जोरों से चालू है, बैतूल ज़िले में गौवंश तस्करी में बहुत ज़ोरों से चालू है, धर्म परिवर्तन में बहुत सी चीज़ों में ऐसी है जो रोक नहीं लगा पा रहे प्रशासन। दीपक जी, आज आपने जो ज्ञापन सौंपा है, किस प्रकार की मांगों को लेकर के और क्या पूरा मामला है? बैतूल जिला आदिवासी बहुमूल्य जिला है, जहां पर ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदू समाज को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है और बीमारी का लालच देकर, जैसे बीमार हिंदू समाज के लोग बीमार होते हैं तो उसकी जड़ी बूटियों और ऐसे कई अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है। और हमने उसमें गौवंश तस्करी को लेकर, बैतूल जिला महाराष्ट्र से सटीक होने के कारण यहाँ से गौवंश तस्करी बहुत अधिक जोरों पर है, तो गौवंश तस्करी पर बैन लगाने के लिए और महाराष्ट्र की सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग करने को लेकर हमने यह ज्ञापन सौंपा है। बैतूल मुख्य बाजार जो पुनः चालू हो गया है, बैल बाजार, उसे भी बंद कराने को लेकर हमने यह ज्ञापन सौंपा है। और असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू समाज में फूट पैदा कर रहे हैं, हिंदू समाज को जो जुड़ा हुआ हिंदू समाज है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में हमने ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन पूरे मध्य प्रदेश में सौंपा जा रहा है और इसके विरोध में हम एक वाहन रैली बैतूल में बड़ी जोर से निकालेंगे, जिसमें 1000 वाहन रहेंगे, उसको लेकर आज ही आठ में हमने ज्ञापन सौंपा।